दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज जनाब एक बहुत मज़े की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और मेरी आज की रेसिपी बड़ी स्पेशल रेसिपी है। क्यों स्पेशल है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं बना रहा हूँ जनाब 6 किलो चिकन का कौरमा, मलाई कौरमा। तो उसके लिए मैं 1 लीटर ऑयल डालूँगा, 1 लीटर ऑयल डालने के बाद अब इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मच जो हैं बड़े वाले अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अब इस अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 3-4 मिनट कि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है, अदरक और लहसुन का जो अपना पानी है, वो खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये जल जाएगा उस वक्त जिस वक्त हमने इसमें प्याज डालने। अच्छा, प्याज और टमाटर जो है ये आपने ख्याल करना है कि इनको आपने इसको आपने पेस्ट बना लेना है। इससे हमारा कौरमा जो है वो बड़ा थिक और यकजान बनेगा, वो पानी अलग से नज़र नहीं आएगा बल्कि बेहतरीन बन जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और स्पेशली जो मैंने बताया था कि रेसिपी आज की मेरी स्पेशल है, तो वो इसलिए स्पेशल है कि जो मेरी बहनें और बेटियाँ अगर ज़्यादा खाना पकाना पड़ जाए तो वो घबरा जाती हैं कि भाई हमने तो कभी नहीं पकाया, तो आज फिर मैं इतना ज़्यादा कैसे पकाऊंगी। तो ये रेसिपी उनके लिए है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है, घबराने की परेशान होने की ख़त्म ज़रूरत नहीं है। मैं डाल रहा हूँ जी, ये मैंने 1 किलो प्याज, 1 किलो प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था। प्याज आपने ज़्यादा नहीं डालने, उसकी वजह ये है कि अक्सर आप लोगों ने खाया होगा शादियों पे किसी तकरीब में, अगर चिकन ज़्यादा मिकदार में बना हो तो वहाँ जब आपने खाया होगा तो आपको उसमें मिठास महसूस नहीं होगी। तो वो मिठास इसलिए होती है कि लोग ग्रेवी को ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए और बढ़ाने के लिए प्याज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उस वजह से करके उसमें मिठास आ जाती है। अब इन प्याज़ों को मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 मिनट तक पकाना है, इतनी देर में कि इनका पानी खुश्क हो जाए। इनको भी हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। तो 5 मिनट इसको पका के इसका पानी खुश्क करके फिर आपसे मिलता। प्याज़ों का पानी हो गया जी खुश्क। अब मैंने उनको ज़्यादा, जिस तरह बताया था कि ज़्यादा नहीं पकाना, तो अब मैं इसमें डालूंगा टमाटर। तो ये 1.5 किलो टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया, ठीक है जी। 1.5 किलो टमाटरों का पेस्ट इसमें डालूंगा। ये याद रखिएगा कि चिकन हमारा 6 किलो है। टमाटरों का तकरीबन 50% से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे मैं अब इसमें डालूंगा मसाले, ताकि वो मसाले जो मेरे हैं वो थोड़ा सा पानी रह गया उसके अंदर वो अच्छी तरह पक जाए। तो ये जनाब 2 पैकेट कौरमा मसाला। मैंने चूँकि खाना ये इसको थोड़ा लाइट रखना है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, तो इसलिए थोड़ी सी कम मकदार में सामान डालूंगा मैं, मसाले जो भी हैं वो थोड़े कम मकदार में। उसके साथ जनाब ये 1 खाने का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 2 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने खाना थोड़ा सा लाइट बनाना है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, तो मैं उस हिसाब से मसाले डाल रहा हूँ। आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो ये जो मसाले हैं इनको आप डबल कर लेंगे। कौरमा मसाला डबल नहीं करना, कौरमा मसाले का 1 पैकेट और ऐड कर लेना है, ठीक है। टोटल 3 हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी मैंने बताए मसाले वो आपने डबल कर लेना, तो आपका खाना अच्छा स्पाइसी बन जाएगा। बस इस मसाले के साथ जो अब बाकी जो पानी है वो मैं खुश्क करूँगा, उस पानी के खुश्क होने के साथ साथ हमारे जो मसाले हैं ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो फिर आगे चल के देखते हैं कि क्या करना है। पानी खुश्क हो गया जी, तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगा। ये ध्यान में रखिएगा कि नमक मैंने कम डालना है, आप लोगों ने भी नमक कम डालना है, बाद में उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। अभी मैं इसमें 3 खाने के चम्मच नमक डालूँगा और जिस वक्त मेरा खाना तैयार हो जाएगा तो फिर मैं चेक करके उसकी जो भी कमी होगी वो इंशाल्लाह पूरी कर लूँगा। साथ इसके इस टाइम पर मैं डालूँगा जी 2 अदद चिकन क्यूब्स हैं, ठीक है जी। ये 2 अदद चिकन क्यूब। अब ये मत सोचिएगा कि जी चिकन बन रहा है तो फिर उसमें चिकन क्यूब डालने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। चिकन क्यूब जो है ये फॉर ऑल पर्पज़ है, ठीक है। तो इसको आप जिस वक्त इस तरह चिकन के सालन में भी डालेंगे तो आपके चिकन का जायके को ये उठा देगी, दुगना कर देगी और वो खाने का मज़ा आएगा। अब ये देख रहे हैं आप, हमारा मसाला जो है वो भुनना शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस मसाले को हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है इसकी, और उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे और बताता हूँ क्या करना है। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है,
तो अब मैं इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब दही डालूंगा। और फिर इस दही को मैं इस मसाले के साथ अच्छी तरह पकाऊंगा। इसको मैं खुश्क करूंगा, खुश्क करके जब मेरा मसाला दोबारा भुनने पे आएगा फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। इस पे लग जाएंगे 4-5 मिनट लग जाएंगे दही को खुश्क होने में। मिलते हैं 4-5 मिनट के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ये मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और ये देखिए, ये वो जो पेस्ट बनाया है, उस पेस्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि आपका मसाला बिल्कुल यकजान हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको मैश करने में पकाते हुए। तो इस टाइम पे जी चूँकि मेरा मसाला तैयार हो गया है तो इसमें मैं अपना 6 किलो जो मेरा चिकन है वो डालूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला के ताकि सारे चिकन के साथ हमारा मसाला जो है वो लग जाए। और ये भी नोट करिएगा कि ज़्यादा मकदार में जिस वक्त आप खाना बनाते हैं और जिस वक्त स्पेशली मसाले के ऊपर डालते हैं तो उसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बड़ा आसान तरीका है। इधर से लेके आए, इसको पलटा दिया, इधर से लेके आए, इसको पलटा दिया। देखिए कितनी आसानी के साथ सारा चिकन जो वो मसाले में डिप हो गया, मसाला उसके साथ अच्छी तरह लग गया। अब इसको मैं 5-7 मिनट के लिए ढक के रखूँगा ताकि एक दफ़ा चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ दे। उसी पानी में ये चिकन गल भी जाएगा और फिर पानी खुश्क होने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। तो जिस वक्त ज़्यादा खाना बनाना पड़े तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि बर्तन बड़ा लें। अब देखें ना, 6 किलो चिकन के हिसाब से मेरा ये देश का ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि एक तो चिकन मेरा ज़्यादा गलेगा नहीं, क्योंकि छोटे बर्तन में जब चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो उस पानी में गलते गलते चिकन ज़्यादा गल जाएगा और जब आप उसमें चम्मच लाना शुरू करेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगा। बड़ा देखचा इसलिए लिया है कि एक तो इसको पलटाना बड़ा आसान, ठीक है, ज़्यादा वो पीस एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े हुए, और फिर आसानी ये हो जाएगी कि जिस वक्त ये पानी छोड़ेगा उस पानी में ये बड़े अच्छे तरीके से गल जाएगा, और जितनी देर में ये चिकन गलेगा साथ साथ उतनी देर में ही उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा आसानी के साथ। इससे हमारा चिकन जो है वो टूटने से बच जाएगा, बोटियाँ टूटेंगी नहीं। चलिए जी, मैं अब इसको 5-5 मिनट तक ज़रा ढक के रखता हूँ दरमियानी आँच पे ताकि मेरा चिकन जो है ये अपना पानी छोड़ ले। जी तो चिकन का पानी जनाब अच्छी तरह से खुश्क हो गया, उसके बाद मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया और अब मेरा ये कोरमा तैयार हो गया। लेकिन मैंने जो कहा था कि मैं करूँगा क्रीमी चिकन कोरमा, तो उसके लिए मैंने 3 पैकेट क्रीम के लिए और उनको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है और साथ थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया ताकि हमारी जो क्रीम है ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। जी अब इसमें मैं डालने लगा हूँ। हाँ 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 हाँ, क्या लुक आई है जी, ज़बरदस्त। और अब जब ये मिक्स होगा तो फिर तो खाने वालों के बारे नहीं आ रहे। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और मिक्स करने का तरीका भी आप देख लें कि चम्मच इस तरीके से हिलाएं कि चिकन जो है आपका वो टूटने वाली तरफ ना जाए। अभी तक देखें मेरी सारी बोटियाँ बिल्कुल असली हालत में साबुत बिल्कुल नहीं टूटी। बस इस तरह इसको पलटा लें और आपकी क्रीम हो गई सारी मिक्स, तो हमारा क्रीमी चिकन कोरमा हो गया तैयार। तो आप इसको जनाब वो डिश आउट करके तो दिखा देता कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग यहीं से देखें मज़े लें और बाकी जो मज़े हैं वो खाने वाले लेंगे। लें जी अब खाना तैयार, तो मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।